आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है। 10-15 साल पहले कैमरा में से तस्वीर लेने के लिए 15-20 दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता था। समय बदल गया और फोटोग्राफी का माध्यम भी बदल गया। रोल कैमरा, डिजिटल कैमरा से मोबाइल। हालांकि इस काल में रुचि निरंतर बनी हुई है। फोटो खींचने का जोश आज भी वैसे ही बना हुआ है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन साल 1839 में फ्रांस सरकार ने फोटोग्राफी का पेटेंट खरीदा था और दुनिया की आज़ादी कराया। कुछ वस्तुएं प्रकाश और अंधेरे में खेल से रूपांतरित की जाती है। इसी सरल सिद्धांत से 1800 के आसपास कैमरा का विचार आया। 1839 में दौरान व्यावसायिक फोटोग्राफी का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जोसेफ निकफेर निपेसे ने विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाते हुए हमारा उद्देश्य कुछ फोटोग्राफी करना था और हमने अपनी यात्रा भीमा नदी के बैकवाटर्स को जाने का तय किया था। हाईवे पर मोटरसाइकिल पर एक मज़ेदार सवारी और गांव के छोटे छोटे से जीर्ण शीर्ण घर में गांव के अंदरूनी हिस्सा में पहुंचते हुए हम 1 किलोमीटर पार करकर भीमा नदी के तट पर पहुंचे।
मैंने नदी की सतह पर लहरों के नृत्य, इधर उधर भागती मछलियाँ और पेड़ों के चहेते पक्षियाँ के नृत्य का आनंद लिया। मैंने भैंसों के झुंड को नदी के उस पार तैरते हुए भी देखा। चारों ओर फैली सुंदर झाड़ियाँ, ऊंचे पेड़ अपने शिखाओं को इधर उधर लहराते हुए मेरे पैरों के नीचे महीन रेत और नदी की सतह पर आसानी से सरकती नाव मुझे एक गहरे आनंद से भर दिया था। पश्चिमी जल 1000 सुंदर रंगों से जगमगा उठा। आकाश हजारों नाजुक रंगों से भरा हुआ और बादल सोने और बैंगनी रंग से और इंद्रधनुष के सभी सुंदर रंगों से रंगा हुआ था। नदी के किनारे टहलना बहुत ही सुखदायक और प्रफुल्लित करने वाला होता है। मतलब मेरा दोस्त दौड़ते हुए भीमा नदी के किनारे पर चला गया। नदी भव्य रूप से बहती थी। कुछ लोग वहां पर मछली भी पकड़ रहे थे।
चारों ओर एक दृश्य बहुत ही आनंददायक और आकर्षक था। व्यक्ति तरोताजा और फिट महसूस करता था। यह एक स्वास्थ्य और हार्दिक है। यदि कोई व्यक्ति नदी के किनारे नियमित रूप से टहलता है तो उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। कुल मिलकर मैं और मेरा दोस्त यहाँ शानदार समय बिताया। अपनी वापसी यात्रा पर हम एक सुंदर फार्म हाउस को देखे और वहाँ जाने का कुछ विचार किया था। मैं तो इतना उत्साहित हो गया क्योंकि ये बहुत करीब था। मैं और मेरा दोस्त उस फार्म हाउस के लिए निकले और आखिरकार फार्म हाउस में प्रवेश किए। एक फार्म हाउस की यात्रा हमेशा आराम और मज़ेदार होता है। फार्म हाउस शहर के बाहर इलाके के स्थित था। मैं पहला कभी फार्म हाउस नहीं गया था और इसलिए मैं वहां जाने के लिए बहुत उत्सुक था। फार्म हाउस शहर के बाहर इलाके में स्थित था। मैं पहला कभी फार्म हाउस नहीं गया था। फार्म हाउस सबसे आदर्श स्थान पर स्थित था जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। यह ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ और जो पर्याप्त छाया प्रदान करता था। उस क्षेत्र में फार्म हाउस ही एकमात्र ढांचा था। यह तिरछी छत वाला एक बड़ा हल्का पीला घर था। एक छोटा सा लॉन और एक गैरेज भी था। हमने मोटरसाइकिल पार्क करके अंदर चले गए फार्म हाउस जाने के लिए। उमस भरा दिन मौसम का सही संयोजन था। फार्म हाउस की यात्रा हमारे सभी व्यक्त कार्यक्रमों में से एक स्वागत योग्य ब्रेक थी और मैंने और मेरा दोस्त ने इसका आनंद लिया पूर्ण सीमा से। हालांकि शाम जब हम वापस लौट रहे थे तो मैं तो बहुत दुख था, लेकिन हमने निर्णय किया कि फिर जल्दी ही ये फार्म हाउस को और एक बार सैर करेंगे।
फ्रेंड्स, आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और मेरा चैनल ज्ञान फुटप्रिंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।